हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल ते। दोस्तों, अज असीं तुहाडे लई ड्रिलिंग मशीन दा टॉपिक लैके आए हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जेकर तुहानूं साडी इह कोशिश चंगी लगदी है तां इस नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो जी। आओ जी, शुरू करदे हाँ अज दा पहला टॉपिक। असीं ड्रिलिंग मशीन बारे मुढली जानकारी प्राप्त कर लैंदे हाँ जी। इन्हां मशीनां दी वरतों मुढले रूप विच ठोस पदार्थां विच गोल छेक पाउण वास्ते कीती जांदी है। छेक ड्रिल जां बरमे दी सहायता नाल पदार्थ दी कटाई करके पाया जांदा है। ठीक है जी, बरमे जां ड्रिल दी सहायता नाल पदार्थ दी कटाई करके छेक पाया जांदा है। ड्रिलिंग मशीन ड्रिल नूं दो गतियां प्रदान करती है जी। फर्स्ट है जी कटाई गति, जो ड्रिल दे घूमण नाल प्राप्त हुंदी है। दूसरी है जी फीड गति, जो ड्रिल दे अपने धुरे दी दिशा विच अगां वधण कारण प्राप्त हुंदी है। सो यह दो तरह दी गतियां ने, कटाई गति ते फीड गति। ठीक है जी। ड्रिलिंग राही धात विच सुराख करन लई जिस मशीन दा उपयोग कीता जांदा है उस नूं ड्रिलिंग मशीन कहिंदे हन। ड्रिलिंग दीआं मशीनां उत्ते ड्रिलिंग तों इलावा टैपिंग, रीमिंग, काउंटर सीकिंग अते काउंटर फोरिंग आदि क्रियावां कीतीआं जांदीआं हन। इह मशीनां जी दो तरह दीआं हुंदीआं ने। फर्स्ट है जी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है जी। सैकेंड है जी स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। यह दो तरह की होंगे ने जी। पहला सी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन बारे जानकारी प्राप्त कर लें जी। अजिहियां मशीनां जिन्हां नूं असी एक थां तों दूजी थां तक आसानी नाल ले जा सकते हाँ, उन्हां नूं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहिंदे हन। इन्हां मशीनां नूं सीधे कम कोल लै जांदे हाँ। ठीक है जी। यह लाइट ड्यूटी मशीनां हुंदियां ने। इन्हां उपर छोटे साइज दे ड्रिल बन्ने जांदे ने जी। आओ हुण असीं कुछ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनां नूं देख लैने हां जी। साडी पहली हैंड ड्रिलिंग मशीन है जी। यह एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। यह मनुखी शक्ति राही चलाई जांदी है। इसका प्रयोग ज़्यादातर कारपेंटर अते इलैक्ट्रीशियन करते ने जी। इसका प्रयोग जी लक्कड़ अते पतलियां शीटां विच सुराख करन लई कीता जांदा है। यह तुहाडे सामने जी हैंड ड्रिलिंग मशीन, यह इसका हैंडल हुंदा जी। ठीक है जी। इस राही जी 6 mm व्यास तक दे सुराख कीते जा सकते हैं। ठीक है जी। सैकेंड मशीन है जी ब्रैस्ट ड्रिलिंग मशीन। यह भी एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है जी। इसका प्रयोग भी मनुखी शक्ति द्वारा ही किया जाता है जी। इस दे सिरे उत्ते एक ब्रेस्ट प्लेट लगी हुंदी है जी, जिस उत्ते छाती नाल दबाव पाया जाता है। उस दे नाल ही यह काम करती है जी। सो यह है जी ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी साड़ी इलैक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। यह मशीनां बिजली दीआं मोटरां राही चलाई जांदियां हन। इन्हां नूं असीं इक थां तों दूजी थां आसानी नाल लिजा सकते हैं जी। यह AC अते DC दोहां किस्मां दे करंट विच उपलब्ध हुंदियां ने जी। यह भी दो प्रकार दी हुंदियां ने जी, लाइट ड्यूटी अते हैवी ड्यूटी। लाइट ड्यूटी विच इस नूं जी 110 तों 220 वोल्ट उपर चलाया जांदा है जी, ते हैवी ड्यूटी विच इस नूं 220 तों 250 वोल्ट उपर चलाया जांदा है। लाइट ड्यूटी दे उपर जी 12 mm तक दे ड्रिल बन्ने जांदे ने, ते हैवी ड्यूटी दे उपर जी 25 mm तक दे ड्रिल नूं बन्ने जांदे। आओ जी हुण असीं स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीनां बारे जानकारी प्राप्त कर लैंदे हां। इह मशीनां नूं जी वर्कशॉप विच फर्श उपर पक्के तौर ते फिक्स कीता जांदा है जी। जिस भी तात ते साने कम करना हुंदा है जी, उस नूं इस मशीन कोल ही लिआंदा जांदा है जी, अते उस ते क्रियावां कीतीआं जांदीआं ने जी। इह इक हैवी ड्यूटी मशीन हुंदी है जी। ठीक है जी। जो भी स्टेशनरी मशीनां हुंदीआं ने, हैवी ड्यूटी मशीनां हुंदीआं ने, इन्हां उपर छोटे अते वड्डे साइज दे ड्रिल बन्ने जांदे ने जी, अते इन्हां नूं असीं इक थां तों दूजी थां नहीं लिजा सकदे। ठीक है जी। आओ जी हुण असीं इन्हां बारे जानकारी प्राप्त कर लैंदे हां। पहली है जी बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। इस तरह दीआं मशीनां बिजली राही चलदीआं हन। इह बेंच उपर फिट कीतीआं जांदीआं हन, इस लई इन्हां नूं बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन कहिंदे हन। इस मशीन उपर फीड हत्थ राही दित्ती जांदी है, इस लई इस नूं सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन कहिंदे हन। इस विच आटोमैटिक मकैनिज़म नहीं हुंदा। ठीक है जी।
ऑटोमैटिक मैकेनिज्म इस विच नहीं हुंदा है जी। इस विच इस दे कई भाग हुंदे ने जी, जिवें पहला है जी बेस, कॉलम या पिलर, वर्क टेबल, स्पाइंडल, चंक, डेप्थ गेज एंड स्टॉप, फीड हैंडल, ड्रिलिंग मोटर, बेल्ट गार्ड, स्टेप कॉन पुले, ड्राइविंग मोटर। ठीक है जी, इह दे पार्ट्स हुंदे ने जी सारे। नैक्सट है जी साढ़े कोल पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। यह भी दोस्तों सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होंगी है। अंतर इस विच यह होंदा है कि इस दे पिलर की ऊंचाई ज़्यादा होंगी है। यह भी फर्श उत्ते ही फिट की होंगी है जी। इसकी समर्था 25 mm तक होंगी है। इस दे भी उही भाग होंगे ने जो असी पिछली मशीन के करके आए जी, बेस, कॉलम, वर्किंग टेबल, स्पाइंडल, सारे ही उही भाग ने जी। इसनों असी वख वख गतियां विच भी चला सकते हैं जी, जिमें हाई स्पीड, नॉर्मल स्पीड, स्लो स्पीड। ठीक है जी। नैक्सट है साडा स्टैंडर्ड ड्रिल प्रेस। यह एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है जी। इस दे राही छोटे छोटे अते बड़े बड़े साइज का ड्रिल किया जाता है जी। इस मशीन राही ड्रिलिंग तो इलावा रीमिंग अते टैपिंग भी की जाती है जी। इस विच ऑटोमैटिक स्पीड अते फीड भी दी जाती है जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जी। इस विच ऑटोमैटिक स्पीड अते फीड दी जाती है जी। अते इस मशीन उपर कूलेंट पंप भी लगा रहिंदा है जी। सो यह है जी साड़ी स्टैंडर्ड ड्रिल प्रेस। ठीक है जी, आओ जी हुण असीं इस टॉपिक नाल संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लैने आ। साडा फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि ड्रिल अपनी धुरी उत्ते 1 मिनट विच जिन्ने चक्कर लगाउंदा है अते उन्हां चक्करां राही जिन्नी दूरी रही हुंदी है उस नूं कहिंदे हन। ऑप्शन ए है जी RPM, ऑप्शन बी है जी मशीन स्पीड, ऑप्शन सी है जी कटिंग स्पीड, ऑप्शन डी है जी फीड। इसका सही उत्तर की है जी ऑप्शन ईडी कटिंग स्पीड। क्वेश्चन नंबर दो है जी, टेपर शेंक बिस्ट ड्रिल दी शेंक उपर मैरस टेपर हुंदी है। ऑप्शन ए जी MT02 MT5, ऑप्शन बी है जी MT02 MT4, ऑप्शन सी है जी MT12 MT4, ऑप्शन डी है जी MT12 MT5। इसका सही उत्तर की है जी ऑप्शन नंबर 4 MT12 MT5 तक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रिल चक दा ओह हिस्सा है जो ड्रिल मशीन स्पिंडल विच फिट हुंदा है उस नूं कहिंदे हन। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी ए स्वील, ऑप्शन ई टेपर साकेट, ऑप्शन डी ए आरवर। उस नूं की कहिंदे ने जी ऑप्शन डी आरवर। ठीक है जी, ड्रिल चक दा ओह हिस्सा जो ड्रिल मशीन स्पिंडल विच फिट हुंदा है उस नूं आरवर कहा जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, रिमर दी वरतों हेठ लिखियां विचों किस विच कीती जाती है। ऑप्शन ए है जी वर हटाउण लई, बी है जी ड्रिल होल नूं ज्यादा डूंगा करन लई, सी है जी सुराख नूं साफ करन लई अते वड्डा करन लई, डी है जी धात विच सुराख करन लई। इसका सही उत्तर है जी ऑप्शन नंबर 3, सुराख नूं साफ अते वड्डा करन लई रीमर दी वरतों कीती जांदी है। नैक्सट क्वेश्चन है जी कि रीमर दे दंदियां विच असमान गैप हेठ लिखियां विचों किस दे लई हुंदा है। ऑप्शन ए है जी इस नाल धात आसानी नाल कटदी है, ऑप्शन बी है जी रीमर नूं बाहर कढ़न विच मदद करदा है, ऑप्शन सी है जी रीमिंग करन वेले चैटरिंग नहीं हुंदी, ऑप्शन डी है जी इस नाल रीमिंग बनाउण विच मदद मिलदी है। इसका सही उत्तर की है जी ऑप्शन सी, रीमिंग करन वेले चैटरिंग नहीं हुंदी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, होल दे एक सिरे नूं तिरछा करन दी क्रिया नूं कहिंदे हन। ऑप्शन ए है जी रीमिंग, ऑप्शन बी है जी ड्रिलिंग, ऑप्शन सी है जी सपाट फेसिंग, ऑप्शन डी है जी काउंटर सीकिंग। इसका सही उत्तर की है जी ऑप्शन नंबर डी काउंटर सीकिंग। होल दे एक सिरे नूं तिरछा करन दी क्रिया नूं काउंटर सीकिंग कहिंदे हन। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एक पेट्रोलियम सर्विस पाइप लाइन उत्ते फलेंज नूं ड्रिल करना है तुसीं किस मशीन की चोण करोगे।
ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਲਰ ਟਾਈਪ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਰੀਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਕਲੋਜ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਾਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਰੀਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ ਸਾਕੇਟ ਸਕਰੂ ਹੈਂਡ ਲਈ ਹੋਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸਫਟ ਫੇਸਿੰਗ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੀ ਪੇਨਿੰਗ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸਿਕਿੰਗ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਬੋਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਾਊਂਟਰ ਬੋਰਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡਰਿਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਿੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਿੰਡਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਡਰਿੱਲ ਚੱਕ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਿੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਿੰਡਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਚੀਪਿੰਗ ਲਈ ਕਟਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 80 ਡਿਗਰੀ, ਬੀ ਏ ਜੀ 50 ਡਿਗਰੀ, ਸੀ ਏ ਜੀ 70 ਡਿਗਰੀ, ਡੀ ਏ ਜੀ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 60 ਡਿਗਰੀ। ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਚੀਪਿੰਗ ਲਈ ਕਟਿੰਗ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੀਕਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੀਕਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਲਿਪ ਐਂਗਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਂਕ ਐਂਗਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਪ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰੈਂਕ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਲਿਪ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੋਣ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੀਕਸ ਕੋਣ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਂਕ ਕੋਣ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਲਿਪ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਗਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਉੱਪਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਗਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡਰਿੱਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਧਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਬ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਫੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਫੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਫੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਗਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਿਆਸ ਦਾ ਡਰਿੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਘੱਟ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਕਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਘੱਟ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਘੱਟ, ਵੱਡੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਲਈ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕੂਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸਾਲੂਬਲ ਆਇਲ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਏਅਰ।
इसका सही उत्तर की आजूगा जी, ऑप्शन नंबर डी कंप्रेस्ड एयर, उसनों कंप्रेस्ड एयर दिता जाता है जी। दोस्तों ये साडा अज का टॉपिक ड्रिलिंग मशीन जी, सो जल्दी ही असी नैक्सट चैप्टर लैके आवेंगे जी। जेकर तुहानू साडी ये कोशिश चंगी लगती है तो इसनों लाइक शेयर जरूर करना जी। थैंक यू।